श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सदन के स्पीकर महिंदा राजपक्षे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये सारी जानकारियां जो है सदन के स्पीकर महिंदा यापा ने साझा की हैं। ये जानकारी दिया, आपको बताएं कि कल हुए प्रदर्शन के बाद से राष्ट्रपति गोटाबाया कहीं सुरक्षित जगह पर गए हैं। प्रदर्शनकारी शनिवार को राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके घर में घुस आए थे। किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अब खबर यह है कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ पूरे श्रीलंका में किस तरह से विरोध हो रहा है ये तो आप देख रहे हैं। अब 13 जुलाई को होगा इस्तीफा। श्रीलंका संकट पर और भी जानकारियां आ रही है, देखिए किस तरीके से गुस्साए लोगों ने फूंक दिया पीएम का घर। यहां पर 13 जुलाई को राष्ट्रपति देंगे अपने पद से इस्तीफा। महिंदा अभय वर्धना देखेंगे राष्ट्रपति का कामकाज। श्रीलंका के स्पीकर है महिंदा अभय वर्धना। श्रीलंका की जनता ने अपने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की समझिए लंका लगा दी। आलिशान महल से जो आग की लपटें दिख रही हैं, वो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का निजी मकान है। विक्रमसिंघे इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जा छिपे हैं। उग्र जनता को रोकने के लिए पुलिस ने जोर आजमाइश की, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की तेज बौछार छोड़ी, लेकिन जन सैलाब के आगे सब बेकार पड़ गया। इतना ही नहीं, पीएम सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने विक्रमसिंघे के घर के बाहर मौजूद पत्रकारों पर हमला कर दिया। अब हम आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन ले चलते हैं। स्विमिंग पूल में चिल कर रहे ये लोग राष्ट्रपति के मेहमान नहीं है, ये वहां की जनता है। गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन पहले महल छोड़ चुके हैं, जिसे जो मिला इस्तेमाल कर लिया, शाही और लग्जरी खजाने का स्वाद लिया, जिसके हाथ में जो आया उसी को निवाला बना लिया। किचन से लेकर बेडरूम तक महल के किसी कोने को नहीं छोड़ा। बेडरूम में सेल्फी लेते लोगों को देखिए, इनकी हरकतों में विजय का भाव है, बेलोस, बेखौफ और बिंदास। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का जिम कैसा है, ये वहाँ की जनता ने न सिर्फ देखा, इसका लुत्फ भी उठाया। राष्ट्रपति के जिम में वर्जिश कौन नहीं करना चाहेगा भला। श्रीलंका में हो रहे विरोध प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी शामिल हुए। संदेश साफ है, वो श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन की आड़ में प्रदर्शनकारियों ने एसजेवी सांसद रजिता सेनारत्ने पर हमला किया। प्रदर्शनकारी न थके न झुके हैं, रात भर डटे हैं। और रात को 1 बज रहे हैं, इस वक्त राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और राजपक्षे जो हैं उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरह से आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो राष्ट्रपति सचिवालय है उस पर प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से कब्जा आपको दिखाई पड़ेगा। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शहर में सुरक्षा का सख्त घेरा है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। बद से बदतर हुए श्रीलंका के आर्थिक हालात के बीच आगे आगे देखिए क्या होता है। विशाल पांडे, कोलंबो, जी मीडिया। तो श्रीलंका में इस वक्त जो संकट है उसे लेकर 5 बड़े अपडेट क्या है इस वक्त के आपको बताते हैं। पहली बड़ी अपडेट और पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है और देश दिवालिया हो चुका है। जनता सड़कों पर उतर आई। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़पें काफी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा किया। राष्ट्रपति गोटाबाया फरार चल रहे हैं, उनकी देश छोड़ने की खबर आई है। तो क्यों बिगड़े श्रीलंका के हालात, ये बड़ा सवाल। विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे बाकी नहीं रह गए हैं।
2022 की बात करें, करीब 4 बिलियन डॉलर का लोन चुकाना है। मई में महंगाई दर 39% तक पहुंच गई। पिछले साल से करेंसी में 82% की गिरावट आ गई है। डॉलर की कीमत 362 श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच गई है। आतंकी हमले और कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। साल 2018 में 23 लाख 2021 में जो पर्यटक आए थे, अब उसमें सब में कटौती हुई है। लिहाजा ये सारी वो प्रमुख वजह हैं जिससे श्रीलंका के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं।